हेलो जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। हम हैं मई 2021 में, लेकिन पिछले साल से कुछ भी नहीं बदला है। इवन हालात और ख़राब है, काम सोच रहे थे घूमने वगैरह जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने सोचा ये व्लॉग बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी लेके आनी थी, एक महीने का गैप हो गया है। एंड दूसरा ये, मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था अमेजन से, तो मैंने सोचा उसके बारे में बता देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेता हूँ और थोड़ा सैंडविच, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठा हूँ तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। 10 बज चुके हैं एक्चुअली, तो उसके बाद आगे बात करते हैं। तो भैया ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, कॉफी के सिप लेते हैं। अच्छा, मैं लाइट जलाना भूल गया, अब सही है। ओके, तो गाइस, मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि मैंने ऑर्डर किया है, वो है गिम्बल, एक DJI Osmo Mobile 3। अच्छा, उसका मैं बॉक्स यहाँ है नहीं, मैं बॉक्स लेके आता हूँ। ये है बॉक्स। अच्छा, मैं इससे ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, एक अलग तरीके से दिखाते हैं। एक्चुअली मैं ये मोबाइल 3 काफ़ी पहले लॉन्च हो गया था 2019 में, लेकिन मैं अब जाके ले रहा हूँ। हमेशा से ऐसे ही हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी चीज़ लेता हूँ ना, तो वो पहले ही लोगों ने ले ली है। मैं काफ़ी लेट ले रहा हूँ हर चीज़ में, मतलब स्कूल टाइम से ऐसा ही लगता है। लेकिन कोई नहीं, यू प्रोग्रेस धीरे धीरे। अभी तो उन्होंने मोबाइल 4 भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें मैग्नेटिक स्नैप वाला है, वो थोड़ा महंगा था तो वो मैंने लिया नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इससे काम चल जाएगा अपना। तो ये है, एंड इसमें एक फीचर है बहुत ही कूल सा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं उसे शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली उसी पर माउंट है कैमरा। ये है इसका स्वैग, मतलब जहाँ मुड़ोगे उधर ही आपको, उधर ही की डायरेक्शन में ये खुद भी मूव हो जाता है। सो इट इज़ क्वाइट नाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। बहुत छोटा सा बना है आई नो, पर मुझे बस अपडेट करना था। दैट्स इट, कंटिन्यूटी लेके आनी है। इन फ्यूचर में भी मैं कहीं घूमने वगैरह जाऊँगा तो वहाँ ये काफ़ी काम आने वाला है मेरे, ब्लॉग करते टाइम। आई एम जस्ट लर्निंग, पीस आउट। मैं इसके बाद में इसके सिनेमैटिक्स जो मैं इस गिम्बल से लूँगा वो भी डाल दूँगा। तो